हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 जून और 5 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज 5 जून को जैसा कि आप सभी को पता है कि मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, और इस दिवस के मनाने की शुरुआत साल 1972 से हुई है। मतलब उस साल में इसकी नींव रखी गई है। पहला पर्यावरण दिवस तो मनाया गया था 1973 से। एक्चुअली बात ये थी कि स्वीडन है एक देश जिसका आप लोगों को पता है, और उसकी राजधानी है स्टॉकहोम, जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े प्राइज़ जिनका नाम नोबल प्राइज़ है, शांति के नोबल प्राइज़ को छोड़ के बाकी सभी के सभी नोबल प्राइज़ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। और यहाँ पे दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें तकरीबन 119 देश है वो शामिल हुए थे। और पहले पर्यावरण दिवस पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति पर्यावरण के प्रति चिंताओं को भी जाहिर किया था। उस समय कभी कोई तुमसे पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसको जो मनाने के लिए इस बार का जो थीम रखा है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका थीम रखा है ओनली वन अर्थ। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हमारे पास में हम लोग जिस तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं, या यूं कहिएगा जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये चिंता है, या यूं कहिएगा ये बात याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पृथ्वी हो। सर, इसे मना कौन रहा है? तो मनाता इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसको आप लोग UNEP के नाम से जो है ना वो जाना करते हैं। सो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, या इस डे को आज आप अपने रूप में सेलिब्रेट करें तो कैसे कर सकते हैं? तो सेलिब्रेशन के रूप में छोटा सा पौधा लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यही है आपका एक इम्पॉर्टेंट सा सेलिब्रेशन, ठीक है। सो पौधा चाहे गमले में लगाइएगा, चाहे वैसे भी लगा लीजिएगा कहीं पे। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो है ना, इसे 1973 के बाद में से एनुअली ही हेल्ड किया जा रहा है। वो तो सम्मेलन हुआ था 72 में, 73 से इसे एनुअली जो है ना हर साल 5 जून को मना रहे हैं। थीम जरूर याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ इस बार हमारा ये थीम है, और थीम भी बहुत मायने में इंटरेस्टिंग है, जल्दी याद भी हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल स्टार्ट करें। उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होने वाला है कि नीचे दिए गए बिंदुओं का अवलोकन करना है हमें। तो एक्चुअली जो है ना, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों पॉइंट ही हमारे ठीक है। कैसे तीनों पॉइंट ठीक है? देखो, लोक सेवा आयोग का गठन 1866 में लॉर्ड चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में किया गया। लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग का गठन 1912 में लॉर्ड इस्लिंग की अध्यक्षता में किया गया, और इस आयोग ने 1915 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और विशिष्ट सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग का गठन 1923 में लॉर्ड विस्काउंट ली के जो है ना उनकी अध्यक्षता में किया गया था। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को कितने रुपए की सौगात दी है। आप लोगों को शायद ये तो बहुत अच्छे से अब याद हो ही गया, या पता लग ही गया कि 4 जून के दिन यानी कि कल ही के दिन पंचकुला के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम फाइनली स्टार्ट हो ही गए हैं। इसका उद्घाटन जो किया था वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भारत के खेल मंत्री जिनका नाम अनुराग ठाकुर, और हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह, ये लोग मौजूद थे इस उद्घाटन समारोह में। और इसी के साथ में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, इन दोनों ने हरियाणा वासियों को जो है ना टोटल 2336 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सर, जैसे कि कैसे सौगात कैसे दी है बताइएगा। तो देखो, इसमें कुछ बदलाव है, और वो बदलाव ही आपको बता रहा हूँ कि लगभग 997 करोड़ से जो है ना श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज यमुनानगर में बनेगा, इसकी नींव, ये घोषणा आपको शायद याद हो तो मैंने आपको 24 अप्रैल को ही बता दी थी, लेकिन नींव रखवाई गई है अमित शाह जी के द्वारा। लगभग 945 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज एक कैथल में बनेगा, इसकी भी नींव रखवा दी गई समझो। और 394 करोड़ से फतेहाबाद में स्थापित की जाएगी हरियाणा अणु विद्युत परियोजना और जलापूर्ति चैनल प्रणाली, ये तीन चीज़ों की जो है ना रिसेंटली एक साथ घोषणा हुई है अभी। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना वो क्या रहने वाला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो अंबाला के अंदर जो है ना टोटल 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।
इनमें से एक तो SDO सिविल कॉम्प्लेक्स है 41.52 करोड़ की लागत से, ऑल वेदर स्विमिंग पूल 38.69 करोड़ लागत से, और SC बॉयज़ स्पोर्ट्स हॉस्टल ये जो है ना 12.96 करोड़ की लागत से। अंबाला के अंदर रिसेंट मैंने आपको पढ़ाया था अटल कैंसर सेवा केंद्र है जो तकरीबन 72 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अंबाला के अंदर सुल्लर गाँव में हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट भी बन रहा है या ऑलरेडी बनी गया, खोली दिया गया वो तो। इसके अलावा अंबाला से आप लोगों को याद रखना है एक क्वेश्चन HSSC ने पूछा था जोहराबाई का, मैंने अपने रात वाले सेशन में पढ़ाया भी था 9:30 वाले में, आपने अगर उसे सुना या देखा हो तो। इसके अलावा सुचेता कृपलानी का सवाल अंबाला का बहुत आता है, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की थी लेकिन वो रहने वाली यहाँ की ही थी। इसके अलावा आप लोग सुषमा स्वराज को तो भूल ही कैसे सकते हैं, जिनके नाम पे रिसेंटली एक 8 मार्च 2022 को अवार्ड स्टार्ट किया गया जो हर साल दिया जाएगा, 5 लाख रुपए इस अवार्ड के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आपको पढ़ाता हूँ। तो हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर राज ने 2030 तक सारी दुनिया साइकिल से नापने का संकल्प लिया है। दुनिया में हौसलों की कमी नहीं है, दुनिया में कर्तव्यों की कमी नहीं है, और आप देख ही सकते हैं 2030 तक साइकिल से नापने का फैसला किया है। फतेहाबाद के रहने वाले हैं ये डॉक्टर राज, आपको इनका चेहरा दिखाता हूँ। ये फतेहाबाद ज़िले के छोटा सा कस्बा है बुना के रहने वाले हैं ये, और साल 2030 तक जो है ना ये दुनिया को साइकिल से नापने का संकल्प लेके बैठे हैं। अभी तक तकरीबन ये 70 देश कवर भी कर चुके हैं ये, ठीक है, और अपनी यात्रा की शुरुआत इन्होंने साल 2016 से की थी ये, और 1 लाख से ज़्यादा इस यात्रा के दौरान ये पौधे भी लगा चुके हैं, और वहाँ पे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट है, उनमें जाके सेमिनार भी करते हैं ये, और अपनी यूँ कहिएगा साइकिल और को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करवा रखा है, मॉडिफाई इन द सेंस कि ये ना इसमें जैसे काफ़ी सारी चीज़ें रखने का मतलब है, और थोड़ा इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी इसमें है अवेलेबल। तो कई सारे देश हैं, जैसे एग्जांपल से श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन कई सारे देशों में चले गए। अभी ये रिसेंट अफ्रीका में गए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो साउथ कैपटाउन है ना, कैपटाउन आपने सुनी होगी, जिसकी बार्टोलोमिया ने खोज की थी, वहीं पे ये गए हुए हैं। तो 2030 तक दुनिया के लगभग 200 देश जो पूरी दुनिया में ही आ जाते हैं तो उनमें ये जाएंगे। ठीक है, खैर अगला सवाल हमारा क्या है कि हरियाणा के किस जिले की रहने वाली प्रियंका हरियाणा हैंडबॉल टीम की कप्तान बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा हैंडबॉल टीम की कप्तान बनी है और ये चरखी दादरी की रहने वाली है प्रियंका, गांव झोजू कला की रहने वाली है ये। ठीक है ना, झोजू कला की बेटी है ये और अर्जुन सिंह की बेटी है ये। ठीक है, अपने गाँव का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम इन्होंने रोशन कर ही दिया है। हरियाणा की टीम में 40 बार से ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया है और हरियाणा हैंडबॉल टीम की कप्तान बनी है ये, और केरल में 2015 में हुए नेशनल गेम में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल कर लिया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। और अभी जो है ना प्रियंका, आप लोगों को याद रखना है कि जो चरखी दादरी की गांव झोजू कला की है और इनको बनाया गया हरियाणा हैडबॉल टीम की जो है ना कैप्टन। मैं बात कर रहा हूँ चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी से चंद्रावती, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, महावीर फोगाट, हुकुम सिंह और श्री उमेद सिंह, हीरालाल चिनारिया, इन सभी का संबंध चरखी दादरी से ही है। भारत में एकमात्र स्थान कल्याणा गांव चरखी दादरी है जहाँ हिलना पत्थर पाया जाता है। अच्छा, चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। श्याम सरोवर चरखी दादरी में है, तकरीबन 400 साल पहले सेठ सीताराम ने इसका निर्माण करवाया था। सेठ सीताराम दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के दरबार में शाही मुनीम के पद पे थे और दिल्ली में भी उनके नाम से सीताराम बाजार आज भी है। पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी में है, डेरंगो पर्यटन स्थल भी है यहाँ पे, कपूर की पहाड़ियाँ भी। 1857 में चरखी दादरी से बहादुर जंग ने नेतृत्व किया था। इमलोटा मंदिर चरखी दादरी में है, गुरु नानक की जी की सभा भी चरखी दादरी में, और हरियाणा का नया या 22वां जिला भिवानी से अलग होके चरखी दादरी साल 2016 में बना ही था। नेशनल जूनियर एथलीट्स फेडरेशन कप गुजरात में संपन्न हुई, चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो टोटल हरियाणा ने जो है ना वो 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इसमें, और तकरीबन टोटल 10 मेडल जीत लिए हैं हरियाणा ने। गुजरात के अंदर ये एथलीट्स फेडरेशन हुई थी। नेशनल जूनियर एथलीट्स फेडरेशन कप में आयोजन में 2 से 4 जून तक छोटू भाई पुरानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाडियाद गुजरात के अंदर ये हुआ था। इसमें 35 लड़कियां और 70 लड़कों सहित 112 खिलाड़ी हरियाणा के थे टोटल इसमें। ठीक है,
और ये तो चलो ठीक है, बात आपकी हो गई है यहाँ पे। और वंशिका घनगस और रजनी ने भिवानी से जो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की छलांग लगा के गोल्ड मेडल पे कब्जा किया था, और इसके अलावा जो है ना वो कुमार जो कि भिवानी है, इन्होंने 4 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची छलांग लगा के कांस्य पदक जीता। तो ये कुछ खिलाड़ी है जिन्होंने मेडल जीता, पर आप लोग ओवरऑल 4 मेडल है वो याद रख लीजिएगा। गुजरात की मैंने बात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात के अंदर एक केवड़िया रेलवे स्टेशन है जिसका रिसेंट ही नाम बदल के कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है 182 मीटर की, सबको पता होगा, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की या कहिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के हिसार जिले में कितना वर्ग किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया है, तो तकरीबन 3983 वर्ग किलोमीटर जो है ना ये जियोग्राफिकल एरिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ठीक है। देश की राष्ट्रीय फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार हर जिले के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई हिस्से में वनीय क्षेत्र होने चाहिए, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हिसार में 3983 वर्ग किलोमीटर का जियोग्राफिकल एरिया है। इसका एक तिहाई यानी कि 33% हिस्सा निकालें तो अभी हिसार में 1256 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन अब है कितनी, तकरीबन 738 वर्ग किलोमीटर ही है, यानी कि अभी हरियाली बढ़ाने के और प्रयास करने पड़ेंगे। दुनिया भर पर अनुमानित 12.6 मिलियन मौतें हर साल पर्यावरण जोखिम कारण से ही होती है। इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन के चलते हर साल लगभग 27,000 प्रजातियाँ हैं वो भी विलुप्त होती जा रही है। हिसार के अंदर 35% HAU में हरियाली है, 15% नगर निगम, 25% GGU और 20% सेक्टर्स में। और हिसार में जो है ना ज्योग्राफिकल एरिया तो इतना है लेकिन बहुत ही घने वन तो है ही नहीं, जीरो है बिल्कुल। कम घने वन 11.86 है, कुल खुले घने वन 45.78%, कुल वनीय क्षेत्र 57.64 और कुल हरियाली केवल 1.45% है। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा और किस राज्य ने फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, तो फुटबॉल टूर्नामेंट हरियाणा और झारखंड ने जीता है। पहले ही दिन यूँ कहिएगा हरियाणा तो जीता और साथ के साथ झारखंड भी जीता। पहले ही दिन लड़कियों के 2 मुकाबले हुए थे जिसमें हरियाणा और झारखंड ने जीत दर्ज की थी। पहला मुकाबला झारखंड और मणिपुर के बीच में खेला गया, झारखंड ने 3-0 से जो जीत लिया, और दूसरा मुकाबला हरियाणा और गुजरात के बीच हुआ जिसमें हरियाणा ने 2-0 से जो ना इस मुकाबले को जीत लिया। चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करूं। उसी के साथ आपको एक बात और बताता हूं कि झारखंड की राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, से हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश ये सारे लैंड लॉक्ड में आते हैं, झारखंड भी। और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ लास्ट में, असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए, बांस उद्योग के लिए और कुटीर उद्योग के लिए, बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।